गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग। रात को ना इतना तेज बारिश हुआ ना, देखिए पूरा पानी पानी लग गया है बालकनी में। और अभी तक इतना तेज बारिश हो रही है ना, गजब बारिश हो रही है। लगभग 7-8 दिन से ना लगातार हो रही है बारिश। आज ब्रेकफास्ट में मटर का घुघनी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। रात को ही मैं भिगो के रख दी थी, अभी इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इसी में 3 आलू डाल के बॉईल कर लूंगी। आज मैं ये नए वाला ग्लास निकाल रही हूँ, इसमें से 2 ही निकालूंगी क्योंकि अभी रखने के लिए जगह नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 ग्लास है, यहाँ पे सारे सामान भरे रहते हैं, तो इतना छोटा सा रहा है कि इसमें कितना सारे सामान रखी हूँ। देखें यहाँ पे क्या है, रीठा पाउडर है, ये सीतो पलादी चूर्ण है। बच्चे लोग को खांसी होता है या फिर बड़ों को भी खांसी होता है ना, तो थोड़ा सा हनी में डाल के देने से ना खांसी बहुत जल्दी आराम हो जाता है, तो इसे मैं घर में रखी हूँ। यहाँ पे कलौंजी ऑयल है, नीम ऑयल है, नीम लिप पाउडर है, बहुत सारे चीज़ है। तो आज मैं एक ग्लास निकाल लेती हूँ। एक फ्रेंड बोल रहे थे 99 रुपीज़ में 6 ग्लास मिला, तो जी हाँ 99 रुपीज़ में ना 6 ग्लास मिला, इसलिए तो मैं ले ली। और सस्ता जब सामान मिलता है ना उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इसका डिज़ाइन देखिए ना, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। और वो काफ़ी हेवी है ये ग्लास, ये वाला जो ग्लास है ना ये हेवी नहीं है, ये बहुत संभाल के रखना पड़ता है। किसी भी चीज़ में लगता है ना थोड़ा सा भी तो टूट जाता है। सिर्फ 2 ही ग्लास बचा हुआ है, बाकी 4 जो ग्लास था ना वो टूट गया है। और ये ग्लास ना मुझे बहुत हेवी लगा, अच्छा है इसकी क्वालिटी। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, घुघनी और रोटी, थोड़ा सा अचार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्यूटीफुल लाइफ विद ईशानी। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब लोग भी अच्छे हैं। गुड आफ्टरनून। तो अभी 12 बज गया है और हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं मार्केट जाने की तैयारी कर रही हूँ, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। आज ईशानी के स्कूल में जाना है, कल ही जाने वाले थे लेकिन कल लेट होने की वजह से नहीं जा पाए, तो आज मैं जाऊंगी और उधर से ही जाऊंगी फर्नीचर वाले अंकल के दुकान पे। पता नहीं कब देगा। आज कितना तारीख है? 21 तारीख है ना। देखिए पूरा 1 मंथ हो गया। कल मेरे हस्बैंड ना कॉल किए थे उसके पास, तो बोला था आने के लिए, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, पता नहीं कब देगा। घर पे आने के बाद भी ना एक दिन का काम है, क्योंकि घर पे आएगा वो सारे सामान को सेट करेगा। वार्डरोब जो है वो बड़ा सा है, 3 डोर का है, तो एक बार में इतना बड़ा तो नहीं आ पाएगा। फोल्डिंग वाला है तो सबको घर पे आके ही ज्वाइंट करेगा, फिक्स करेगा सबको। और जो किचन का कैबिनेट है उसे भी आकर फिट करना पड़ेगा, तो एक दिन का काम घर पे रहेगा। और देखिए कितना टाइम लगा रहा है। तो अभी हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, हस्बैंड मेरे घर पे ही, आज है सैटरडे तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ। वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, कब वो फ्री होंगे कि जाऊंगे। बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना बारिश हो रही है, इतना बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी किसी भी तरह छतरी लेके जाना ही पड़ेगा।
गाइज अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ। बाप रे, चक्कर लगा लगा के ना हालत खराब हो गया। 3 बजने वाला है, इतना टाइम लग गया मार्केट में। वर्कआउट मेरा 2-3 दिन में आ जाएगा। सब चीज रेडी है, थोड़ा सा काम और बाकी है। मार्केट में ढूंढ ढूंढ के सामान लाए हैं। क्या क्या लाए हैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे रखा हुआ है 1 kg एप्पल लाई हूँ और ये पानी पूरी लाई हूँ। आज तो टाइम नहीं मिलेगा बनाने का, लेकिन कल बनाऊंगी। और इसमें है धनिया पत्ता और एक और सामान है। और इसमें मेंदू वड़ा लाई हूँ मनीषा के लिए। क्या है? मनीषा मौसी के लिए, हम सबके लिए है। और आप मेरे लिए क्या लाए? बाप रे, कितना सारा क्या क्या डाल के दे दिया है। यहाँ पे है सब्जी, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सब्जी है। तो मैं साफ करूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। सांबर और ये नारियल की चटनी और ये है मेंदू वड़ा। अभी दिशा नहीं खाएगी है ना? मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी? अच्छा लगता है बेटा, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो इडली से अच्छा ना यही लगता है बेटा। वैसे मत उठा के लाओ। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आज तो मैं घोड़ा बेच के सोई थी। दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ। आज मैं गई थी ना मार्केट, बहुत ज्यादा थकान फील हो गया था, तो बहुत ज्यादा नींद आया तो सो गए। हम सब लोग सो गए थे, एक हस्बैंड नहीं सोए थे, वो तो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। मनीषा भी सोई थी, दृशानी भी सोई थी। दृशानी तो अभी तक सो रही है। और मेरे सारे काम उसी तरह पड़े हुए हैं। हम लोग लंच भी नहीं किए हैं और सारा खाना उसी तरह पड़ा हुआ है। रात को वही खाएंगे है। ना मनीषा, आज के लिए छुट्टी हो गया। और कल तो वैसे भी राखी है, तो ये ब्लॉग को मैं कल तक कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा, अभी ये खत्म नहीं हो पाएगा, है ना त्रिशानी? हाँ चलो उठो, अभी शाम का चाय पीने जा रहे हैं। चाय बन के रेडी है। अभी मनीषा इधर खाना बना रही है और देखिए मैं कितने सारे रायते फैला के रखी हूँ। पूरे कपड़े कपड़े दिख रहे हैं पूरे बेडरूम में। तो ये ना बेड के बॉक्स में था सारे कपड़े, और बहुत दिन से मैं इसे छाटने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। आज बहुत ही ज़रूरी एक सामान ढूंढ रही थी लेकिन वो तो नहीं मिला है, लेकिन उसके चक्कर में ये सारे कपड़े मैं निकाल दी हूँ। इसमें कुछ नए कपड़े हैं जो कि एक बार भी नहीं पहना हुआ है और ये पुराने कपड़ों के साथ मिक्स हो गया। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मेरी कुर्ती है एकदम न्यू है और ये रखे रखे ना अंदर ये दबे रह गया, पता ही नहीं चला। और मैं ढूंढी बाहर लेकिन मिला नहीं, और एक दो बार मैं ऐसे बैग में भी चेक की थी लेकिन मुझे मिला नहीं। देखिए आज मिला है, बहुत सारे कपड़े के अंदर ये दबा हुआ था। मतलब दृशानी जब पैदा हुई थी ना तब मैं ये सिली हुई थी, तो अभी तो ये मेरे शरीर में आएगा भी नहीं क्योंकि मैं मोटी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा फिटिंग होगा। और बहुत सारे न्यू कपड़े हैं मेरे, कुर्ती वगैरह है, टॉप है जो किसी में पड़ा हुआ है, और टी शर्ट भी है। जैसे कि ये वाला सूट देख सकते हैं, ये भी मैं रख दी थी लेकिन अभी तो कोई भी नहीं आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ पहले से। ये सूट भी एकदम न्यू है, मैं पहनी ही नहीं हूँ। और इसमें जो बटन लगे हुए हैं ना, ये तो काम आ जाएंगे, किसी और ड्रेस में लगा सकते हैं, तो इसका बटन मैं निकाल लूँगी। मेरे हस्बैंड के भी सेम वैसे ही कपड़े हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि पहने ही नहीं है। काफ़ी सारे जीन्स हैं जो रखे रखे, मतलब उसका मॉडल पुराना हो गया लेकिन वो पहन नहीं पाए। और मैं इतना सारा ये कपड़ा निकाली हूँ जिसमें बहुत सारे टी शर्ट हैं, और दृशानी का भी बहुत सारा कपड़ा है जो कि छोटा हो चुका है और एकदम न्यू है। और कुछ पुराने कपड़े हैं जिसे मुझे छाट के फेंकना है, तो इसके लिए मैं निकाली हूँ ये सारे कपड़े। बहुत सारे कपड़े निकलेंगे इसमें से फेंकने वाले, और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि मैं पहनी ही नहीं हूँ, और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि थोड़ा बहुत पहन के रखा हुआ है। तो सबको मैं छाटूंगी आराम से, अभी तो बस निकाल ली हूँ। और जो मैं सब्ज़ी लेकर आई थी ना मार्केट से, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब धोना, सैनिटाइज करके रखना। तो सारे सब्जी को मैं धो के रखी हुई थी, अभी सूखता नहीं है अच्छे से, तो इसी तरह तावल के नीचे, मतलब तावल के ऊपर सब्जी को फैला के रख देती हूँ फैन के नीचे, तो सूख जाता है। तो गाइस 12 बज गया, बहुत ज्यादा लेट हो गया। इतने सारे कपड़े देखे थे ना, मैं बेड का जो बॉक्स है ना उसमें कुछ और चीजें ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला है, और उस चीजों को ढूंढने के लिए ना इतने सारे कपड़े को निकाली हूँ। और ये सब कपड़े ना पुराने कपड़े हैं, तो कोई ऐसा कपड़ा है एकदम न्यू कपड़ा है, दबा रह गया और अंदर ही रह गया, वो कपड़ा मैं निकाल ही नहीं पाई, पहन ही नहीं पाई। और वो कपड़ा अभी मुझे आने वाला नहीं है क्योंकि
कुछ कपड़े ना शादी के टाइम का है और कुछ कपड़े मतलब प्रेगनेंसी के बाद का है, तो वो सब कपड़े अभी मुझे आने वाले नहीं है क्योंकि अभी मैं हेल्दी हो गई हूँ ना, पहले पतली थी अभी मोटी हो गई हूँ। सच में देखते देखते भी मैं मोटी हो गई, लॉकडाउन में मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया। अभी मैं 50 kg की हूँ, पहले मैं 45-48 kg की थी, अभी मैं 50 kg की हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ। और मेरे पूरे किचन क्लीन हो गए हैं, डिनर भी हो गया है, बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं, सारे काम खत्म करके सो रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, कम से कम 7 तो बजेगा, तो कल राखी है तो कल भी बहुत सारे काम है। मैं सोची थी मिठाई बनाने के लिए लेकिन टाइम नहीं मिला जिस वजह से नहीं बना पाई हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को कल तक कंटिन्यू करूंगी, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। उठकर सबसे पहले मैं खीर बना रही हूँ। कैसे हो आप सब लोग, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आज है रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आधा घंटा पहले मैं सोकर उठी हूँ, अभी 7 बज रहा है और अभी सबसे पहले ना मैं किचन में खीर ही चढ़ाई हूँ। मैं सोची चलो खीर बना लेती हूँ और पानी गर्म की हूँ, अभी पानी पीऊंगी। हमारा पानी पूरी बनके रेडी है, एकदम सिंपल लेकिन टेस्टी। तभी हम लोग पानी पूरी खाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं शूट ही नहीं कर पाई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, डायरेक्ट अभी हम लोग लंच कर रहे हैं और आज लंच में पानी पूरी है। तो पानी पूरी लाए थे ना, मतलब पूरी लाए थे और पानी और उसका चोखा घर में ही बनाए थे। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ इसका रेसिपी शेयर करूँगी। आज तो मैं जल्दी जल्दी में बना ली थी क्योंकि भूख लग गया था, तो बहुत टेस्टी बना था, सिंपल बनाई थी लेकिन बहुत टेस्टी था। गाइस कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब लोग भी अच्छे हैं। तो आज तो मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई हूँ क्योंकि आज कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं है। आज हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं किए हैं, नया कुछ पहनने वाला नहीं था, राखी भी बांधने वाला नहीं था, तो वैसे भी यहाँ पे कोई है नहीं राखी बांधने के लिए, ना मेरा भाई है, ना मेरे हस्बैंड की बहन है और ना ही मेरी शनि का भाई है, सब लोग आसाम में है, है ना। तो इसलिए ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। वैसे भी वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और इतना मेहनत से वीडियो एडिट करते हैं लेकिन आप लोग पूरा देखते ही नहीं हैं। जो चीज़ मैं वीडियो में बता चुकी हूँ उसे वही क्वेश्चन आता है, पता नहीं आप लोग पूरा वीडियो क्यों नहीं देखते हो। इतना मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत से वीडियो एडिट करती हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताई हुई थी कि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ लेकिन पूरा वीडियो ना देखने की वजह से आप लोग फिर से वही क्वेश्चन करते हैं। तो कमेंट में रिप्लाई देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं बहुत सारे फ्रेंड को कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और कल गुड न्यूज़ आप लोगों को बताए थे कि काजल आने वाली है, तो काजल पहुँच गई है अपने मायके, रक्षाबंधन से एक दिन पहले पहुँची। आज मतलब आज रक्षाबंधन है ना, कल वो आई और वीडियो आया है। हाँ, मेरी मम्मी भी अपने भाई को राखी बांधी है, तो उसका भी वीडियो है, मतलब मेरे मामा को राखी बांधी। तो मेरी मम्मी, काजल और मेरा भाई लोग कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है आप लोग जाकर देखिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मैं कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। कल से एक नया रूटीन स्टार्ट होने वाला है, दिशानी स्कूल जाएगी पढ़ने, बीच में स्कूल भेजना बंद कर दिए थे, अभी तो इसको टी शर्ट भी डालना है क्योंकि घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, सबसे पीछे है ये, तो कल से एक नया रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो भी एडिट कर लूँगी, अभी मुझे डिनर भी बनाना है। और मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
बाय बाय, थैंक यू अच्छी, गुड नाइट, शुड डे। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुस्कुराते रहिएगा। हाँ, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिएगा ना, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, सेफ रहिएगा जरूर। हैप्पी रक्षाबंधन नहीं बोलिए दिशु, बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। काजल का शादी के बाद का पहला रक्षाबंधन है, और सच बोलो ना तो बहुत लकी है कि उसका शादी के बाद ना पहली बार मौका मिल गया उसको राखी बांधने का। भाई का मुझे ना 7 साल हो गए, 7 साल से मैं राखी बांध ही नहीं रही हूँ। ऐसे टाइम पे जाती हूँ कि मतलब फिर रक्षाबंधन में जाना होता ही नहीं है, और इस बार तो मैं भी नहीं बांध पाई और मनीषा भी नहीं बांध पाई। लेकिन अच्छा हुआ कि काजल आ गई रक्षाबंधन पे, और ये अभी रहने वाली है यहाँ पे, और देखिए कितनी मोटी हो गई है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। शादी के बाद सच में सब लोग चेंज हो जाते हैं और चेहरे पे एकदम अलग ही निखार आ जाता है, और बहुत सुंदर लग रही है सच में। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। Thank you.